हेलो गाइस, हम फिर आ गए हैं आपसे मिलने एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए जान लेते हैं आज हमारे इलाहाबादी जायका में क्या बनने वाला है। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाला ग्रेवी सोया चाप की रेसिपी। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, 3 स्टिक लिया हुआ था सोया चाप का। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। आप चाहे तो पूरी की पूरी स्टिक बना सकते हैं, बट मैंने कट करके लिया हुआ है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई रखेंगे हम गैस पे। इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल हमने लिया हुआ है, इसको हम गर्म हो जाने देते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सोया चाप फ्राई करेंगे। हम यहाँ पर सोया चाप फ्राई करके बना रहे हैं। हम सोया चाप ऐड करेंगे। सोया चाप को हम इसमें ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमें धीरे रखना है गाइस, बहुत तेज आंच में हमें नहीं फ्राई करना। देख सकते हैं गाइस, सोया चाप भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप भी इसी तरीके से करिएगा। अगर आप फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मसाला भूंज कर ग्रेवी करके इसको ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्राई करेंगे थोड़ा चाप को। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा थोड़ा चाप हो गया है। ये हम इसे निकाल देते हैं और इसी तरह से हम अपने बाकी बचे सोया चाप को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। हम सारे सोया चाप को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से हमने लाइट ब्राउन किया है सोया चाप को। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं। तेज पत्ता, जिसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं, 1 लाल मिर्च सूखी, दालचीनी का छोटा 2 टुकड़ा, हरी इलायची 2, जीरा आधी चम्मच, गोल मिर्च लिया हुआ है हमने 7 से 8 दाना, 1 हमने हरी मिर्च लिया हुआ है। आप सभी मसालों को देख लीजिए गाइस अच्छी तरीके से। आप यहाँ पे और भी जो खड़े मसाले यूज करना चाहते हैं आप ले सकते हैं स्वाद के अनुसार। और 2 हमने प्याज ली हुई है मीडियम साइज की, 1 टुकड़ा अदरक का, 8 हमने लहसुन लिया हुआ था, इसका हमने पेस्ट बना लिया है मिक्स करके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सभी खड़े मसालों को ऐड करेंगे, इसमें चला लेते हैं। मसाले हमारे चटक गए हैं। अब हम इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है गाइस। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज के पेस्ट को अच्छे तरीके से मसालों के साथ भूनना है, जब तक हमारा अदरक लहसुन प्याज का कच्चापन की स्मेल निकल ना जाए तब तक हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को हमने धीरे रखा है। 4 मिनट के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, पेस्ट हमारा जलने ना पाए। आप देख सकते हैं गाइस, पेस्ट हमारा अच्छी तरीके से रेड ब्राउन हो रहा है। थोड़ा हमें और करना है, बीच बीच में चलाते भी रहना है। 2 से 3 मिनट हम और लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। ठीक गाइस, प्याज हमारी अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन हो गई है। ज़्यादा हमने नहीं किया है क्योंकि अभी मसाले के साथ भी हमें प्याज को भूनना है। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच हल्दी लिया हुआ है, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया हुआ है, 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, इसमें भी हमने थोड़ा सा गरम मसाला हल्दी मिक्स किया हुआ है। गाइस, ये गरम मसाला मेरा होममेड है। आप चाहें तो इसकी रेसिपी बता दूंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इन मसालों को हम इसमें प्याज में ऐड कर देंगे, मिक्स कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। मिक्सी में प्याज लगी हुई थी गाइस, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के चला लिया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे प्याज में हमारा मसाला अच्छी तरीके से मिल जाए। सभी मसालों को प्याज के पेस्ट में हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से गाइस पेस्ट मिक्स हो गया है। अब हम इसे धीरे आंच में 3 से 4 मिनट भूनने देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, 2 से 3 मिनट हो गया है मसाला भूनते हुए। चलिए हम इसे चला लेते हैं, बीच में हमें चलाना भी है। हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे, मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। टमाटर मैंने कट करके लिया हुआ है, यहाँ पे इसको भी मिक्स कर देते हैं। हम मिक्स कर देते हैं गाइस, मिक्स करके हम इसे धीरे आंच में भुन जाने देते हैं। टमाटर को भी गल जाने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, धीरे आंच पर रखेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे अपने मसाले। आप देख सकते हैं गाइस, तेल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है।
चला लेते हैं। हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है गाइस। अब हम 2 मिनट और मसाले को भुजने देंगे, मसालों में से कच्चेपन की स्मेल निकल जाए, मसालों की खुशबू अच्छी आने लगे। हमें तब तक मसालों को भूनना है गाइस। 2 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुज गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और तेल भी हमारा सारा ऊपर आ गया है। अब चलिए हम इसे एक बार चला लेते हैं और हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। गाइस आप ग्रेवी अपने अनुसार रखिएगा, हमें यहाँ ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे। गैस को तेज कर देंगे और हम नमक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले ही इसमें ऐड कर दिया है, हम ऐड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं गाढ़ी है हमारी ग्रेवी, इसलिए थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे क्योंकि अभी इसको बॉईल होना है। पानी हमने ऐड कर दिया है, अब हम ग्रेवी में बॉईल आने देते हैं। ग्रेवी को अच्छे तरीके से हम पका लेंगे, बॉईल हो जाने देंगे, फिर हम इसमें सोया चाप ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे तरीके से बॉईल होने लगी है। हम इसे एक बार चला देंगे, आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितनी लाजवाब लग रही है। हम ग्रेवी को खूब अच्छे से बॉईल होने देंगे, हमने पानी ऐड किया है तो पानी का कच्चा टेस्ट बिल्कुल ना आए, इसलिए हमें अच्छी तरीके से बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट हम ग्रेवी को और बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है, पानी का कच्चापन भी नहीं आएगा इसमें। अब हम इसमें सोया चाप ऐड करेंगे, सोया चाप के सारे पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। चला देते हैं, मिक्स कर देते हैं ग्रेवी में हम सोया चाप ऐड करके। गाइस हम इसको 4 से 5 मिनट बॉईल होने देंगे, सोया चाप में भी हमारा ग्रेवी का जूस अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए, जिससे हमें अंदर भी टेस्ट आएगा खाने में, बहुत ही लाजवाब लगेगी गाइस खाने में। झटपट बनकर तैयार होती है गाइस हमारी ये रेसिपी, हमारे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा गाइस। पसंद आए हमारी रेसिपी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसी ही नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख सकते हैं सोया चाप के साथ हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है गाइस। देख सकते हैं ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है सोया चाप के साथ, ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। चलिए अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और अपनी सोया चाप मसाला ग्रेवी को हम कर देते हैं सर्व। आप देख सकते हैं गाइस, मसाला सोया चाप ग्रेवी हमने सर्व कर लिया है। इसकी ग्रेवी बहुत ही थिक है, गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा हमने पतली भी नहीं रखा है, बहुत ही लाजवाब लगती है गाइस ये।